राजधानी लखनऊ में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि यहाँ दिन दहाड़े एक गैस कंपनी के कर्मचारी को पहले गोली मारकर हत्या करते हैं, फिर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो जाते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। देखिए रिपोर्ट। अपने हिसाब से ये बताइए। ये जो आंसू आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशियाने से महज चंद किलोमीटर की दूरी की है, जहां पर सूबे की कानून व्यवस्था फेल हो गई और एक निर्दोष आम आदमी की जान चली गई। जी दरअसल बीते सोमवार को लखनऊ के गोमती नगर के बिहारी गैस सर्विस में बतौर कैशियर के तौर पर काम करने वाला श्याम सिंह नजदीकी बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने पहुंचा ही था कि तभी पहले से ही घात लगाए दो बाइक सवार बदमाशों ने उसके सीने में गोली दाग दी, जिसके बाद श्याम सिंह कुछ समझ पाता। इतने में बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा 10 लाख का बैग लेकर मौके से फरार हो गए। ऐसे में जब लोगों ने श्याम सिंह को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर गए तो वहां पे डॉक्टरों ने श्याम सिंह को मृत घोषित कर दिया। वही घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने मौके पर कई थानों की फोर्स बुला दी, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के केबिन में बैठ करके कई घंटों तक सीसीटीवी के फुटेज खंगालते रहे, लेकिन अपराधी बदमाश का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। श्यामू को बताया जा रहा है दो अज्ञात लोगों ने इसको गोली मार दी है। श्यामू को जो है यहाँ पर राम मनोहर लोहिया ट्रॉमा सेंटर वहाँ पर भेजा गया है। इसमें तत्काल हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और हमने सारी टीमें यहाँ पर क्लोज करवा ली हैं। पूरे शहर में जो है वायरलेस से नाका लगवा करके चेकिंग करवाई जा रही है ताकि जो हमलावर थे जिन्होंने गोली मारी है इनको जल्दी से धरपकड़ किया जा सके। कुल मिलाकर लखनऊ के एसएसपी का ये बयान अब मजाक लगता है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में पुलिस का इकबाल कम और बदमाशों का ज़्यादा है। तभी तो एक महीने के भीतर तीन तीन घटनाएं सामने आ जाती हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। वहीं सूबे के मुखिया बदमाशों के एनकाउंटर पर पुलिस के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यूपी पुलिस गन्ने की खेत में अपने मुँह से भागो भागो ठाए ठाए के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती है। बनकर आ रही है अपराध की, ये तो समझी भी नहीं आ रहा है कि यूपी की राजधानी है या फिर अपराध की राजधानी है। अब सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि आए दिन एक हफ्ता भी नहीं बीतता और राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। अब हालांकि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है ये तो प्रशासन ही बताएगा, लेकिन मौका वारदात से हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार के राजनाक के नीचे जिस हिसाब से अपराधियों का इकबाल इतना बुलंद है कि वो सरे राह किसी को भी गोली मारकर लूट कर लेते हैं, इससे साफ है कि बदमाशों का इकबाल है, पुलिस का इकबाल बिल्कुल भी नहीं है। कैमरामैन सर्वजीत सिंह के साथ मैं नीरज अमरनाथ, प्राइम टीवी लखनऊ।